डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजेश मोदी, टीजीटी मैथ्स इन हवासे विद्या विहार। टुडे वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन फिफ्थ फोर्थ पार्ट। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। Where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. Question is 1 plus secant A upon secant A is equal to sin square A upon 1 minus cos A. अब आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, यू हैव टू चेंज सीकेंट ए इनटू कॉस ए। 1 प्लस सीकेंट ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए, एंड डिनोमिनेटर में सीकेंट ए दैट इज द इनवर्स ऑफ कॉस ए। टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक एलसीएम cos a, cos a plus 1 upon 1 upon cos a. Now solve it. Cos a plus 1 upon cos a into cos a upon 1. Cos a से cos a cancel, that can be written as 1 plus कॉस ए। अब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 प्लस कॉस ए, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ वी कैन टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस ए है तो आप साइन स्क्वेयर ए को चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। साइन स्क्वेयर ए इज चेंज्ड इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए बिकॉज साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस। नाउ इन द न्यूमरेटर आइडेंटिटी इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सो वी कैन राइट इट एज 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसल्ड आउट एंड राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। नाउ लेफ्ट हैंड साइड आल्सो 1 प्लस कॉस ए एंड राइट हैंड साइड आल्सो 1 प्लस कॉस ए, सो लेफ्ट हैंड साइड देन इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन अवर आइडेंटिटी इज प्रूव। अंडरस्टैंड? आप इसको इस वे में भी कर सकते थे। सेकंड मेथड, आपका जब लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉस ए, यू कैन पुट इट एज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉस ए आपका आ गया, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये आपका आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। लेफ्ट हैंड साइड क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए। माइनस कॉस स्क्वेयर उधर ले जाओ, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, दिस इज एन आइडेंटिटी। 1 इज इक्वल साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो ये भी आपकी क्या है, 1 इज इक्वल टू 1। Hence,
प्रूव्ड। तो आप इस वे में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वेयर ए। आपको ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है और आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। देखिए अब आपको आइडेंटिटी यूज करनी है कॉसिकेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वेयर ए। इट मीन्स दैट आपने यहाँ यो कॉस ए साइन ए को किस में चेंज करना है, कॉसिकेंट ए में और कॉट ए में चेंज करना है, तभी तो ये आइडेंटिटी आप यूज कर पाएंगे ना। तो आपको क्या करना है कि जब कॉस ए को जब हम साइन ए से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, कोट ए, और जब वन अपॉन साइन ए आएगा तो क्या बन जाएगा आपका, कोसिकेंट कॉसिकेंट ए। तो इसलिए आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ यू हैव टू डिवाइड बाय साइन ए बिकॉज हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज कर पाए हम, ठीक है, क्योंकि उसी से हम कॉट और कॉसिकेंट ए मिल पाएगा साइन ए से डिवाइड करने पर। तो देखिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। आप थ्रू आउट तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन, ठीक है। आपने न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी दोनों को किससे डिवाइड कर दिया, साइन ए से, दैट इज इक्वल टू। अब कॉस ए अपॉन साइन ए क्या है, कॉट ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए वन, प्लस वन अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसिकेंट ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए प्लस वन साइन ए से साइन ए वन माइनस वन अपॉन साइन ए कोसिकेंट, ठीक है बेटा। तो अब आपके पास ये इसमें चेंज हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस वन अपॉन कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस। अब आपको आइडेंटिटी यूज करनी है कोसिकेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वेयर ए, तो यहां तो हम कर नहीं सकते, तो आप वन इसको हम इस आइडेंटिटी को हम ये भी लिख सकते हैं ना, कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू वन। कोट स्क्वेयर ए को आप कहां ले आए, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू वन। तो आप वन की जगह आप ये लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए, तो आप पुट दिस वैल्यू ऑफ वन दैट इज इक्वल टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। तो कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस आप पुट कर दें कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस वन, अंडरस्टूड। नाउ कॉट ए प्लस
कोसिकेंट ए माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए अपॉन कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस। अब आपके पास टू टर्म्स है, वन टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो यू हैव टू टेक कॉमन इन बोथ द टर्म्स। द कॉमन इज कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, बिकॉज इन बोथ द टर्म्स कॉट ए प्लस कोसिकेंट है, तो ये आपका क्या हो गया कॉमन। अब ये कॉमन लिया तो यहां क्या आ गया वन माइनस, अब ये कॉमन आ गया तो ये अभी क्या रह गया हमारा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, लेकिन यहां माइनस है तो यहां ये माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस का क्या बन जाएगा ये माइनस, तो माइनस कोसिकेंट ए और माइनस माइनस प्लस कोट ए। देखिए कोट ए प्लस कोसिकेंट ए हमने क्या लिया इसमें कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद यहां पे क्या आ जाएगा वन माइनस, फिर आपके पास ये आ जाएगा ब्रैकेट में, लेकिन जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, तो ये आपका आ जाएगा वन माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ठीक है बेटा, अपॉन कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस वन। अब देखिए कॉट ए कॉट ए प्लस माइनस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस वन प्लस वन, तो ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, तो ये प्रोडक्ट में है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो आपके पास क्या रह गया कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, दैट इज द सेम थिंग, और राइट हैंड साइड भी हमारा यही है ना कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस यही प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो बेटा सबसे पहले हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड किया साइन ए से, फिर हमारा को हमने इसको कॉट और कोसिकेंट में चेंज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी वी हैव टू पुट वन इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट, अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, कोट ए प्लस कोसिकेंट इज कॉमन वन माइनस, जब आप यहाँ पे माइनस है तब ब्रैकेट जब चेंज करेंगे खोलेंगे तब साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस वन, ये कैंसिल्ड आउट हो गया, हमारे पास रह गया कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यही राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना था, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन इज अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, ठीक है बेटा। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तब अब आपके पास इसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट, दोनों तरफ अंडर रूट है ना, वन माइनस साइन। अब हमें न्यूमरेटर का जो अंडर रूट है उसको क्या करना होता है रिमूव करते हैं, तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, ठीक है ना, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट वन माइनस साइन ए है तो हम अंडर रूट वन प्लस साइन ए से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट वन प्लस साइन ए टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन ए इंटू अंडर रूट वन प्लस साइन ए
वन अंडर रूट वन प्लस साइन ए। हमने अंडर रूट वन प्लस साइन ए से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी कर दिया। अब देखिए, अब ये क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट, अंडर रूट से अंडर रूट दोनों जो मल्टी, अब ये क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख लो, अंडर रूट वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए। ठीक है, दोनों में अंडर रूट है ना, तो वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये आ जाएगा वन स्केयर माइनस साइन स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए, तो वन प्लस साइन ए होल स्केयर। ठीक है बेटा, अंडर रूट वन प्लस साइन ए होल स्केयर, और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वेयर। ठीक है बेटा, तो अब वन प्लस साइन ए स्केयर अंडर रूट अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्केयर ए। अब स्केयर से आपका क्या हो गया, अंडर रूट कैंसल्ड आउट। ठीक है ना, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अंडर रूट को जब अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते तो ये वन प्लस साइन ए सीधा आ जाता है, जैसे अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, तो क्या बनता है, हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, थ्री, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट थ्री स्केयर, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया आपका थ्री, और हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं थ्री। तो ऐसे इसको भी मल्टीप्लाई जब अंडर रूट करते हैं तो डायरेक्ट भी हम वन प्लस साइन ए लिख सकते थे, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका है। तो दैट इज इक्वल टू वन प्लस साइन ए अपॉन, अब वन माइनस साइन स्क्वेयर ए दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू वन, देन वन साइन स्क्वेयर ए को उधर ले जाओ, कॉस स्क्वेयर ए दैट कैन बी इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वेयर ए, तो कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वेयर ए। तो हमने वन माइनस साइन स्क्वेयर ए को लिख दिया कॉस स्क्वेयर ए। तो ये आपके पास हो गया स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसल्ड आउट, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आप कॉस ए इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, तो आप उसको अलग अलग कर लीजिए, वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब वन अपॉन कॉस ए दैट इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए टेंजेंट ए, और यही हमारी हमें प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारी यही है ना, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। इसका अब सेकेंड मेथड भी है, हम इसको सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे, देखिए अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए दैट इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। स्केयरिंग कर सकते हैं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स टू रिमूव अंडर रूट, अब हम इसको करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए स्केयर सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए होल स्केयर। अब स्केयर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसल्ड आउट, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू, अब सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए होल स्केयर। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, secant a plus tangent a whole square that is equal to 1 upon cos a plus sin a upon cos a, secant change into cos a and tangent a is change into sin a upon cos a. Now take LCM cos a 1 plus sin a whole square, that can be written as 1 plus sin a होल स्केयर अपॉन कॉस स्केयर ए, दोनों तरफ स्केयर कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए है,
तो हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो अब हमें इसको हमें किस में चेंज करना है, साइन में। तो ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर की टर्म है ये तो साइन ए में है ही, अब हमें डिनोमिनेटर को जो कॉस केयर है इसको साइन में चेंज करना है। तो कॉस केयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर ए, लिख सकते हैं ना, बिकॉज साइन स्केयर ए प्लस कॉस केयर ए इज इक्वल टू 1, दैट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो कॉस केयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर ए, सो वी कैन राइट एज 1 प्लस साइन ए होल स्केयर अपॉन 1 माइनस साइन स्केयर ए, दैट कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 2 टाइम्स 1 प्लस साइन ए स्केयर, दैट कैन बी रिटर्न एज इन दिस फॉर्म, एंड ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसल्ड आउट, एंड न्यूमिनेटर में क्या रह गया, 1 प्लस साइन ए, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए, और यही हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, अंडरस्टैंड। सो इन दिस टाइप वी हैव डिस्कस्ड सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटीज। ओके, थैंक यू।